यार ये रोड बहुत खतरनाक है, हालत ख़राब हो जाने वाली है इस रोड पे। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में इतना स्टीप है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर होगा तो सीधा नीचे जाने के रिस्क हो जाता है। Hey everyone, good morning. कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग फिट एंड फाइन। और हम हैं हुंडर के कैंप में, लेट इस नूबरा वैली। कल शाम को हम यहाँ पर आए तो 6:30 बज गए थे। बहुत गर्मी थी सुबह, बट अब जैसे सनसेट हुआ इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा चिल होने लगी और ठंड पड़ने लगी। रात को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो सारे टेंट्स है, ये सब टेंट्स में हम रह रहे थे। दीज आर ऑल द टेंट्स जहाँ पर हम ठहरे थे। एंड यस, सो दिस वाज आवर कैंप एंड दिस इज द प्लेस। कैन सी दिस माउंटेन, ये माउंटेन देख रहे, कितनी बहुत ही अच्छी व्यू थी यहाँ से जहाँ हम थे। सो हमने बहुत अच्छे से डिनर किया, फिर थोड़ा बहुत पार्टी वगैरह किया, बॉनफायर वगैरह हुआ। इट वाज वेरी नाइस, हमने एंजॉय किया यहाँ पे। एंड लाइक इफ आई कैन शो यू इनसाइड द टेंट ऑल्सो, अगर एक टेंट, वन सेकेंड। सो दिस इज द इनसाइड ऑफ द टेंट। अंदर आएंगे तो ये थोड़ा अंधेरा है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड दिस इज द वॉशरूम, ये वॉशरूम है। काफ़ी अच्छा था ये, अपने हम जहाँ सर्चू में ठहरे थे वो तो काफ़ी कोल्ड थी, बट उससे बहुत ही अच्छा टेंट है। बेड्स वगैरह है और लाइक बहुत कंफर्टेबल है। शायद इसका नाम हिमालयन द रिवर वैली कुछ है। यस, सो नाउ हम अभी निकल रहे हैं पैंगोंग के लिए। अभी पैंगोंग जाएंगे। सो इट्स पैंगोंग डिस्टेंस है अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम हुंडर कैंप। अभी तक राइड काफ़ी स्मूथ थी, बट द थिंग इज ऑलरेडी इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग, 8:30 बज चुके हैं और स्नो मेल्ट होने लगेगी, तो रास्ते में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आ जाते हैं जिसकी वजह से लाइक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स भी उसके साथ ही आ जाते हैं। तो यस, तो हम जल्दी से निकलते हैं अभी। तो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। Please have a look into my channel and if you like my videos, please like and subscribe. Thank you very much, guys. So, हम निकल चुके हैं अभी पैंगोंग के लिए। पैंगोंग यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर्स है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। पहला स्टॉप हम लेने वाले अगम में। अगम अराउंड यहाँ से 47 या 48 किलोमीटर्स है। तो आप लोगों को अगर ये रोड पता चल रहा होगा, ये वो नूबरा वाली रोड है जो कल हम जहाँ आए थे। तो यहाँ से अभी हम स्ट्रेट जाएंगे पैंगोंग के लिए। राइट लेने से ले आता है तो हम स्ट्रेट जाने वाले। गाइस आप जो ये रास्ते देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऊपर पहाड़ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, इसकी वजह से ये रोड पर पूरे सैंड बन गया है और रिस्क बहुत होता है। लेफ्ट साइड कितना ज़्यादा स्टीप है, लेफ्ट में जाने में डर लग रहा है। थोड़ा सा बाइक अगर बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाई अब आराम से चलाता हूँ मैं। तो आप लेफ्ट में देख सकते हो ये, तो इसे श्योक रिवर कहते हैं जो हमारे साथ, इसके किनारे ही हम जा रहे हैं। ये इंडस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ आगे जाती है। आप जब भी नूबरा से पैंगोंग जा रहे हैं तो ट्राई करिएगा जल्दी निकलने का, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होता है तो पानी का स्ट्रीम्स पे, नाले में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो लीजिए, ये पहला छोटा सा वाटर स्ट्रीम आ गया। जैसे बताया था पानी मेल्ट होना, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ये भाई आराम से क्रॉस करो इसको, ओए 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 आराम से। चलो यार निकलते हैं यहाँ से। ये एक छोटा सा फिर से मिला। यस, देखिए ऐसे पूरे रोड पे पानी आ गया। अभी पानी का बहाव कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट तेज अगर हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट कर देता आपको। ओ भाई इधर से तो रास्ता बंद है यार, कम से कम बोर्ड तो लगा देता। अरे 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 अरे, ये पूरा रोड खराब। हाय गाइस, सो हम अगम पे रुके हैं। यू कैन सी हियर वी आर स्टेइंग एट अगम में रुके हैं अभी ब्रेक के लिए। सो यहाँ से लेफ्ट लेने से पैंगोंग, राइट लेने से सकती। सो हम पैंगोंग जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। सो यहाँ पर स्टॉप था
कुछ खाने के लिए, लाइक वी हैड सम स्नैक्स और वी विल बी गोइंग नेक्स्ट। यह एक ब्रिज है, बहुत सुपर ब्रिज है, देखो। तो यहाँ से श्योक 40 किलोमीटर है और डोरबुर्ग 58 किलोमीटर है। श्योक जो है वो एक रिवर का नाम भी है और एक जगह भी है। जैसे मैंने आपको बताया था वो रिवर इंडस से मिल के पाकिस्तान जाती है, तो दोनों है यहाँ पे और हम इसी के किनारे ही आगे बढ़े। सो पैंगोंग जाने के लिए तीन रास्ते हैं, एक है वाया ले आप जा सकते हो, एक वाया वरीला पास और एक है वाया श्योक रिवर, जो हम अभी श्योक रिवर के किनारे होते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये रोड बेटर है वरीला पास से, तो ये रोड से हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। अभी तक श्योक रिवर हमारे लेफ्ट में था, अभी आप देख सकते हो हमारे राइट में है। दोनों पहाड़ों के बीच से ये रिवर निकल रही है और ये इतना जबरदस्त नज़ारा है। बहुत मन था यार यहाँ रुकने को, बट लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं हमें और वाटर लेवल उधर बढ़ जाने वाला, उसे भी क्रॉस करना है, तो मैं अभी यहाँ रुकते नहीं है। पूरा कंस्ट्रक्शन वाला रोड है, पूरा खुदाई हुआ है दोनों साइड, आपको देख रहा है शायद रोड बनने का कुछ है। अरे यार रोड बहुत ख़राब है, बट कोई नहीं, आगे दिख रहा है रास्ता अच्छा हो रहा है तो ठीक है। मतलब थोड़ा सा ख़राब रोड आता है फिर अच्छा रोड आता है, तो वो कंस्ट्रक्शन के मतलब चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो आगे आप देख सकते हो वो पानी, यार ब्लू कलर का पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम स्पीड नहीं चला रहे, हम धीरे ही चला रहे हैं, आराम से जाते हैं क्योंकि रोड कभी भी कर्व हो जा रहा है तो उस पर दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम आराम से ही चलाएंगे, बट ज़्यादा स्टॉप लेंगे नहीं, डायरेक्ट ट्राई करेंगे पैंगोंग 5 बजे तक पहुंच जाने का। श्योक इज 11 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, 11 किलोमीटर बस और ड्राइव करना श्योक के लिए। ये देख सकते हो आप, इस सारे बड़े बड़े पत्थर है यार, ये पूरे रोड पे आगे गिरे हुए हैं, मान लो कोई रात को यहाँ आए और पत्थर गिर गया तो गया वो काम से, बट ड्राइव सही है यार, मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करने में। बहुत सारे आगे स्ट्रीम्स आने वाले, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ, देखते हैं वो स्ट्रीम्स कैसे होते हैं। वैसे आपको ऐसे रोड मिलेंगे, यहाँ थोड़ा सा ख़राब रहता है फिर रोड अच्छा हो जाता है, तो पूरे जब से हम नुब्रा से आए हैं वैसे ही मिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है रोड, बहुत अच्छा ड्राइव है यार अभी तक। तो ओ ओ ओ इसमें आराम से जाने का। तो भीड़ क्यों है भाई यहाँ पे बहुत सारा, अच्छा पानी का क्रॉसिंग है, चलो ऐसे नाले तो मिलते रहते हैं, क्रॉस कर लेंगे इसको, इसमें क्या है देख लेते हैं क्या है। चलो क्रॉस करते हैं, ये छोटा सा ही नाला है रेतू, चलो 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 चलो, बहुत छोटा सा ही नाला मिला, देखते हैं आगे और क्या मिलता है, बट अभी तो फिलहाल बहुत छोटू सही था ये। तो यार रोड बहुत ख़राब है यार यहाँ से, आई थिंक अभी सारे नाले मिलने शुरू हो जाएंगे इधर। गाइस दिस इज श्योक रिवर, अगर ये वाटर क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग इस वाटर चैनल, कम पानी है बट यार इट इज़ रिस्की टू क्रॉस है भाई, हालत ख़राब हो जा रही है यहाँ क्रॉस करने में।
यू कैन सी द ऑफ रोड भाई, ऊपर से रोड में आने में जो हालत खराब हुई, इट वाज फुल ऑफ रोड पैंगोंग के लिए। इंपल्स है ना? हां, इंपल्स एक्सप्रेस। नहीं, वो बराबर बड़े पत्थर पे गया। कम कम ब्रो, हिस्ट्री फेल ज्यादा। हिस्ट्री फेल क्या समझे? तो पानी घस गया। तो भाई ये हालत देखो यार ट्रक की, ये तो गया काम से, पूरा खंडा ठुकी है ट्रक, बहुत खतरनाक रास्ता, आप देख सकते हो यहाँ से यार, यहाँ मतलब वो मतलब कुछ है ही नहीं रोड, ये रोड बस ऐसी बना हुआ है, नीचे तो पूरा खाई है, हालत ख़राब हो जा रही है यहाँ तो। यहाँ से डुडबुक का अराउंड 17 किलोमीटर्स है, 16 या 17 कुछ है। दुर्बुक यहाँ से 10 या 11 किलोमीटर है और आप देख सकते हो ये रिवर यार तब से हमारे साथ साथ, और बहुत मन कर रहे हैं यहाँ रुकने का बट कोई आगे रुक ही नहीं रहा है, तो मज़ा आ जाता है यहाँ पर रुकते तो, बट चलो कोई नहीं, हमें पहुँचना है पैंगोंग, तो बाकी सब नहीं रुके हैं यहाँ, बहुत लोगों ने, हम भी रुक सकते थे बट अब छोड़िए, अभी नहीं रुके, आगे चलते हैं पैंगोंग के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, लेट ना हो जाए। Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. तो दुर्बुक हमने क्रॉस कर लिया है, अभी नेक्स्ट विलेज आने वाला है वो है टांगस्टे, तो टांगस्टे अराउंड दुर्बुक से अराउंड 40 किलोमीटर्स है, तो अभी नेक्स्ट टांगस्टे जाएंगे, फिर टांगस्टे के बाद हम लोगों को लुकुंग करके एक विलेज आने वाली है, तो उसे भी क्रॉस करने वाले हैं। अब देख सकते हो ये साइड में यहाँ के घर सारे वो ब्रिक ब्रिक होते हैं ना मड के बने हुए हैं, तो अब जब भी पैंगोंग की तरफ आ रहे हो तो आप ये ग्रीन पैचेस जरूर देखिएगा, ये ग्रीन पैचेस मोस्टली चांगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की होती है, और यहाँ पे मोस्टली हिमालयन मैरमट बहुत फेमस है, हिमालयन मैरमट वो लाइक चूहे टाइप का होता है बड़ा सा, और वो मोस्टली हाइबरनेशन मोड में रहते हैं 7-7.5 महीने, मतलब समझ रहे हो सोए रहते हैं 7-7.5 महीने, तो हमें भी एक हिमालयन मैरमट दिखा, अब देख सकते हो ये मैरमट क्या मस्त है ना ये। ये है और एक वाटर क्रॉसिंग आया, वाटर क्रॉसिंग बोलेंगे स्ट्रीम क्रॉसिंग, बट पानी तो अभी बढ़ने लगा है, चलो क्रॉस करते हैं इसे, ज़्यादा नहीं आराम से क्रॉस कर गए तो। जी और एक वाटर क्रॉसिंग अभी हमें मिला और हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, इसको हम लोग वेट करके आराम से क्रॉस करने वाले हैं, सोचे चलो चलो तो देखते हैं, इसमें है पानी यार, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर, पानी बहाव बहुत तेज है यहाँ पर, तो कार का टायर देखा मैंने, क्रॉस कर गए। तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेनी है पैंगोंग के लिए, तो
थोड़ा देर यहाँ रेस्ट करते हैं, बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, उसके बाद पैंगोंग के लिए निकलते हैं। तो स्वागत है आपका पैंगोंग लेक की पहली व्यू में। आप देख सकते हो दूर से एक छोटी सी ब्लू कलर की ये दिख रही है, वही पैंगोंग लेक है। और यहाँ से 4 किलोमीटर है पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक अराउंड 4,350 meters एलिवेशन में है, और इसे कहते हैं कि इसकी 1/3 एरिया जो है वो इंडिया में है, बाकी 2/3 चाइना में। तो यार ये पानी जो लाइक पूरी ब्लू है यार, ये पानी तो पूरा ब्लू कलर का पानी है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हो डिफरेंट शेड्स है, लाइक जैसे लाइक सन की रोशनी पड़ रही है तो पानी में डिफरेंट शेड्स दिख रहा है यार, है ज़बरदस्ती। गाइज आप वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक को देख रहे हैं और मैं उस रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, इसकी फीलिंग अलग ही लेवल की है। पूरी जो थकावट थी सुबह नूबरा से यहाँ तक की, सारी ये लेक को देखने के बाद उड़ सी गई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और हम हैं फेमस पैंगोंग लेक के किनारे। आज के वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, अभी हम यहाँ रिलैक्स करेंगे थोड़ा देर बिफोर वी मूव इन टू आवर टेंट्स। मैं आपको टेंट वगैरह कल के वीडियो में दिखाता हूँ। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कल हम जा रहे हैं पैंगोंग से हान लेक की तरफ, तो कल के वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।